Hello, guys, welcome to my channel. Today, our topic is about bond in brick masonry. What is bond in brick masonry, and what are the types of bonds which are widely used uh, in brick masonry? What is bond? This is one of the technical terms which uh, I have discussed in one of my previous videos, and many more technical terms uh, came under discussion. Uh, please also watch that video. The link is given in the

कि उनके जो वर्टिकल ज्वाइंट्स हैं यानी जोड़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए ब्रिक बॉन्डिंग इज द पैटर्न इन विच ब्रिक्स आर अरेन्ज इन अ स्ट्रक्चर सच एज वॉल और कॉलम बॉन्डिंग जो है असल में वो चीज़ है कि ब्रिक्स को कैसे जोड़ा जाए अगर हम कोई दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई कॉलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो जो पैटर्न फॉलो किया जाता है उसको बॉन्ड कहा जाता है बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी एंड कॉमनली यूज बॉन्ड्स आर स्ट्रेचर बॉन्ड हेडर बॉन्ड इंग्लिश पोंड एंड फ्लैमिश देर आर अलॉट ऑफ बॉन्ड्स विच आर इन यूज बट दीज फोर आर इन कामन प्रैक्टिस एंड वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड वट इज द नेसेसिटी ऑफ बॉन्ड बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ती है क्यों इस चीज को फॉलो किया जाता है या इसको क्यों मद्देनजर रखा जाता है इसमें यह है कि बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी इज प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन टू ब्रेक दूटीटिवर्सिस जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये वर्टिकल जॉइंट को परपेंड्स कहा जाता है एंड इज एक्सप्लेन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो दैट इज टेक्निकल टर्म्स अबाउट ब्रिक मेस्टरी तो इनको परपेंड्स कहा जाता है परपेंड्स एक दूसरे के ऊपर ना आए इसलिए मुख्तलिफ ब्ड जो हैं मुख्तलिफ पैटर्नस जो हैं ब्रिक मेस्टरी में वो फॉलो किए जाते हैं the second one is to ensure longitudinal and lateral strength of the masonry work to ensure the lateral strength if these joints come uh, perpendicularly on over each other in a respective or alternate course the wall will be prone to cracking अगर जॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल तो वो दीवार मजबूत नहीं बनेगी तो इन जॉइंट्स को आगे पीछे जैसे इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि एक जॉइंट यहाँ पे आ रहा है और दूसरा बिल्कुल उसके नीचे नहीं आ रहा तो यही चीज फॉलो करनी चाहिए कि परपेंड जो है एक दूसरे के ऊपर ना आए ताकि दीवार को जो है स्ट्रेंथ मिल सके तो बाढ़ जो है एक स्ट्रेंथ एक किस्म की इम्पार्ट करते हैं मेसनरी को टू तो डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली ओवर द स्ट्रक्चरल मास टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड टू इंश्योर सिस्टेमेटिक वर्क एंड टू प्रोवाइड गुड एस्थेटिक्स और खूबसूरती के लिए भी मुख्तलिफ़ के बॉन्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं दीवार में खूबसूरती लाने के लिए एंड टू इकोनोमाइज द वर्क बचत करने के लिए मुख्तलिफ ज्वाइंट्स या टोटे इंटों के जो हमारे पास बच सकते हैं ताकि वो भी यूटिलाइज हो सके तो एक इकोनॉमिकल डिजाइन जो है हमारे सामने आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बॉन्ड इन ब्रेक वर्क रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ब्रिक वर्क में बॉन्ड की ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म साइज ब्रिक जो है खूबसूरत बिल्कुल एक साइज में होनी चाहिए मोटर थिकनेस शुड बी लेस देन 10 मिलीमीटर्स mm. जो ब्रिक्स के दरमियान में मोटर मिसाला जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी मोटाई 10 मिलीमीटर mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वर्टिकल जॉइंट इन अल्टरनेट कोर्सेज शुड बी इन सिंगल प्लम लाइन और इनको प्लम किया जाता है यानी दीवार जो है वो एक साल में होनी चाहिए बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट होनी चाहिए हेडर शुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द स्ट्रेचर इन टू कंजेक्टिव हेडर एंड स्ट्रेचर वर दर एंड स्ट्रेचर इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन माई वीडियो गोज बाय द नेम टेक्निकल वर्ड इन ब्रिक मिस्टरी तो वो भी आप जरूर देखें द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन हेडर क्या है जो uh, लंबी रुख की जो ईंट है और उसके नीचे जो स्ट्रेचर है वो बिल्कुल उसके सेंटर में आना चाहिए ये वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक मिसरी के जो आपका हेडर वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रेचर के सेंटर में आना चाहिए ब्रिक बेड्स शुड बी अवॉइडेड। ब्रिक बेड्स ये दीज आर द डिफरेंट बेड्स विच आर यूज इन एज पर साइट रिक्वायरमेंट एंड दीज बेड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है बिकॉज इट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मेसनरी एंड दीज बेड शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल नाउ कमिंग टूवर्ड्स फर्स्ट टाइप स्ट्रेचर बॉन्ड इज स्ट्रेचर बॉन्ड स्ट्रेचर बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रनिंग बॉन्ड इज क्रिएटेड वेन ब्रेक्स आर लेड विद ओनली देयर स्ट्रेचर एज शोन एज यू कैन सी अवर हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी अवर हेयर दिस इज द लेंथ of the brick this is the depth and this side is the width of the brick if brick is laying laid in such a way that uh, you can see the length of the brick in elevation as you can see over here all the bricks are laid with a longer side in the elevation a stretcher is the longer face of the brick as seen in the elevation stretcher is the longer side of the brick that is lengthwise if brick is placed lengthwise as, and you can see it in the elevation. This is called as stretcher bond. This bond is used in half brick thick walls. It means that this wall is equal to the width of the wall. Half brick, uh, you can say 4.5 inches or uh, 90 centimeters. Walls constructed with stretcher bonds are not stable enough to stand along alone in case of longer span and height. दस देन नीड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंटरवल क्योंकि दीवार होती है इसको सपोर्ट देने के लिए हमें बीच में थोड़े थोड़े फास्टे के ऊपर या ब्रिक के हो सकते हैं या कंक्रीट कालम्स जो है वो सपोर्ट के तौर पर देने पड़ते हैं द सेकेंड वन इज हेडर बॉन्ड हेडर बॉन्डर इज द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक एज सीन इन द एलिशन सी अवर हेयर दिस इज द लॉन्गर which is called as stretcher bond and if brick is placed in in a way that you can see the width of the brick in elevation it is called as header bond in header bond brick mystery all the bricks are arranged in the header courses as you can see over here in this picture all bricks are laid along their width as, which, which is visible in the elevation this bond is used for curved surfaces

in header bounds the overlap is kept equal to the half width of the brick to achieve this three quarter brick bed are used in alternate courses as quins because as i have discussed in on my previous slide that perpends uh, the vertical joints should not overlap in successive or uh, successive courses to break this uh, perpendicular uh, joint we use half beds or 3 by 4 beds to Uh, इसलिए कि भाई ये जॉइंट्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर ना आ सके इनका जॉइंट तोड़ने के लिए हमें क्या है ब्रिक बेड्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है थर्ड वन इज इंग्लिश पोर्ड इंग्लिश पोर्ड इज अ पैटर्न फाउंड बाय बाई अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ स्ट्रेचर्स एंड हेडर्स इंग्लिश पोर्ड में क्या किया जाता है कि ये ऐसा पैटर्न है जिसमें एक कोर्स जो है यानी एक रद्दा जो है वो स्ट्रेचर का लगाया जाएगा और दूसरा रद्दा जो है हेडर का लगाया जाएगा इन अल्टरनेट कोर्सिस दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर बॉन्ड एंड यूज इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ये बहुत नॉर्मली यही वाला बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये स्ट्रांगर बॉन्ड भी माना जाता है टू ब्रेक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट अब ब्रेक इज कट लेंथ वाइज इन टू टू हाफ एंड यूज इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द वॉल आफ्टर फर्स्ट हेडर जैसे कि इस दीवार में आप देख रहे हैं एज यू कैन सी अवर हेयर This is the stretcher course, and alternatively, this is the header course, and upon it there is again stretcher course. It means that one layer is of header and second layer is of stretcher. Such type of pattern is called as English bone, and it is widely used and it imparts greater strength as compared to other two bonds. The fourth one is Flemish bone. In this type of bone, each course consists of header and stretchers. अल्टरनेटिवली अरे क्या होता है कि एक ही हृदय में आपने स्ट्रेचर भी लगाना है और उसी मेंिस कोर्स यू कैन सी दिस इज द स्ट्रेचर फॉलोड बायर अगेन स्ट्रेचर फॉलोड बाय अडर इन अंगल कोर्स हेडर एंड स्ट्रेचर आर बोथर एंड स्ट्रेचर आर यूज अल्टरनेटिवली alternate course start with a stretcher and header to break the vertical joint queen collers are required if a course starts with a header every header is centrally supported on the stretcher below it again it is very important that if, you, if a uh, stretcher is placed in a course then the header in the upper or lower should be in the middle of the stretcher Okay, this bond is strong and often used for walls which are two bricks thick the thickness of such type of bond is greater, and these are mainly used for the as you can see over here for the boundary walls or for uh, aesthetical purposes. And this brick is two bricks thick, or uh, it means that if the length of the brick is nine, nine centimeters or uh, nine inches, the total width of the wall will be double 18 inches. So that's all for today. In the end, you are again requested. If you are new to my channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon to get video updates.